Hello and welcome to my channel Web Study. With this video, I'm starting a new series for all those students who have international business in their courses. So with this video, I'm starting the chapter 1 of international business, that is globalization. So firstly, we'll discuss what is the meaning of globalization and then the types of globalization we have. यानी इस वीडियो के साथ मैं न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ वो सभी स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास इंटरनेशनल बिजनेस है उनके कोर्सेज में. और इस वीडियो में मैं चैप्टर फर्स्ट डिस्कस कर रही हूँ, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. सो अभी हम सिर्फ जानेंगे कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है और कौन कौन से टाइप्स के ग्लोबलाइजेशन हैं हमारी बुक में. हमें ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है टाइप्स के ग्लोबलाइजेशन, बस एक एक लाइन में मैं मतलब बताऊँगी. And then we in next video we'll discuss the forces of globalization. So let's just start the video. Now what is globalization means? पहले globalization word का मतलब समझते हैं कि globalization होता क्या है. हमने पहले अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा था globalization का, बट यहाँ पर हम थोड़ा और डेप्थ में जानेंगे कि globalization actually है क्या, वो ट्रेड में कैसे हेल्प करता है. तो स्टार्ट करते हैं मीनिंग से. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी विद द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड अंडर कंडीशन. पहले इतना पढ़ते हैं कि इसका मतलब क्या है. ग्लोबलाइजेशन मीन्स इंटीग्रेटिंग, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंटीग्रेटिंग. और देन डोमेस्टिक इकोनॉमी, व्हाट डज डोमेस्टिक इकोनॉमी मीन. तो इंटीग्रेटिंग का वर्ड का मतलब होता है कंबाइनिंग विद अनदर, कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म अ होल. यानी कि कंबाइन विद अनदर टू फॉर्म अ होल, यानी कि किसी और के साथ कंबाइन करके पूरा कंप्लीट करना. तो यहाँ पर क्या बता रहा है कि ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटिंग यानी कि किसके साथ कंबाइन करना, डोमेस्टिक इकोनॉमी को किसके साथ, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ. यानी कि डोमेस्टिक इकोनॉमी को रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके फिर वो ग्लोबलाइजेशन बनता है. इन डोमेस्टिक इकोनॉमी किसके साथ, वर्ल्ड के साथ कंबाइन करती है, तभी ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस होता है. अगर हम एक मैथमेटिकल फॉर्म में समझें तो दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक इकोनॉमी. डोमेस्टिक इकोनॉमी क्या होता है. डोमेस्टिक इकोनॉमी होता है मतलब अपने ही कंट्री में जो भी इकोनॉमी से रिलेटेड है. अपने ही कंट्री में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो दैट इज़ आर डोमेस्टिक बिजनेस. अगर हम वही बिजनेस, अगर हम इंडिया के रहने वाले हम यूएस में जाके करते हैं तो वहाँ के लोगों के लिए वो इंटरनेशनल बिजनेस होगा. क्यों? क्योंकि हम इंडियन वहाँ जाके अपना बिजनेस खोल रहे हैं और कर रहे हैं. तो डोमेस्टिक बिजनेस, डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है अपने ही कंट्री में फाइनेंशियल. व्हाट इज़ इकोनॉमी, फाइनेंशियल रिलेटेड या पैसे से रिलेटेड. तो डोमेस्टिक इकोनॉमी होता है अपने ही कंट्री में विद रेस्ट ऑफ, यानी कि दूसरी अपनी कंट्री में ही जो काम कर रहे हैं हम वर्ल्ड के साथ कंबाइन करके करें, तो वो प्रोसेस बनता है ग्लोबलाइजेशन. बट यहाँ पर क्या बोला है, अंडर कंडीशन ऑफ फ्री फ्लो. यानी कि बिजनेस करें बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए. मतलब अगर हम बाहर की कंट्री में जाके बिजनेस कर रहे हैं तो वो कुछ भी टैक्स हम पे इम्पोज ना करें. फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर हो. ठीक है, दैट इज़ ग्लोबलाइजेशन. आई होप ग्लोबलाइजेशन वर्ड का मतलब थोड़ा क्लियर होगा कि ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है, कि इंटीग्रेटिंग डोमेस्टिक इकोनॉमी को विद किसके साथ, वर्ल्ड के साथ, किस कंडीशन में, ताकि वो फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन अक्रॉस द बॉर्डर हो. ठीक है, उसके बाद इट मीन्स ओपनिंग अप इकोनॉमी. यानी कि उसका क्या मतलब होता है, इकोनॉमी को खोलना किसके लिए, वर्ल्ड मार्केट के लिए. कैसे, बाय अट्रैक्टिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस. अपनी इकोनॉमी को खोलना, अट्रैक्ट करके इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस को. ठीक है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन ऑफर क्या करता है, अपॉर्चुनिटी. कैसी, ये किसके लिए, फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू एक्सपैंड ग्लोबली. यानी कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया में रहते हैं, हमने अपना बिजनेस दिल्ली में खोला, हम अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, तो हमने मुंबई में खोल लिया, हमने उसकी सब्सिडरी कहीं और खोली, पुणे में खोल ली, उसके बाद हमने कहीं और गुजरात, राजस्थान, ऐसी ऐसी जगह में खोली, स्टेट्स में खोली इंडिया की. अब ग्लोबली एक्सपैंड कैसे करेंगे, अगर हम वही अपनी कंपनी
सब्सिडरी हम कहीं और जाके खोलें, फॉर एग्ज़ाम्पल US में जाके हम खोल रहे हैं, जापान में जाके, चाइना में जाके, दैट इज़ एक्सपैंडिंग ग्लोबली, यानी कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन वो अपॉर्चुनिटी ऑफर करता है कि हम दूसरी कंट्रीज़ में जाके खोलें अपना बिजनेस। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो है फ्री फ्लो ऑफ ट्रेड, यानी कि ट्रेड होगा बट कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसके नहीं लगेंगे, इन सिंपल लैंग्वेज। तो ये था ग्लोबलाइजेशन का मतलब कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है। उसके बाद है हमारे पास चार टाइप की ग्लोबलाइजेशन। फर्स्ट एक इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन, देन सोशल, देन कल्चरल एंड पॉलिटिकल। व्हाट इज इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन? ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन, TNCs जिसको हम कहते हैं। अब ये क्या होते हैं? TNCs इज अ ह्यूज कंपनी दैट डज बिजनेस इन सेवरल कंट्रीज। सच कंपनीज कैन प्रोवाइड वर्क एंड, यानी कि ट्रांसनेशनल कंपनीज कौन सी होती है, कॉरपोरेशन कौन सी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एग्जाम्पल लें, हमारी कंपनी, हमारी कंट्री में कोक है, ठीक है, या जो ऐसे ब्रांड्स होते हैं, जो नेस्ले है वो बाहर का है, वो MNC है, वो हमारी कंट्री में आके सेटअप हुआ। अब वो सेटअप होगा तो उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी में कैसे इफ़ेक्ट पड़ेगा, या कैसे पॉजिटिव भी पड़ सकता है, नेगेटिव भी पड़ सकता है। मैं आप सेइंग कि पॉजिटिव ही पड़ेगा, समटाइम नेगेटिव भी इफ़ेक्ट पड़ता है। कैसे? अब ये जानते कैसे? तो कोई भी MNC अगर हमारी कंट्री में आके अपना बिजनेस स्टार्ट करती है तो क्या होता है, वहाँ उनको वर्कर्स चाहिए होता है। वैसे तो नहीं वो अपनी कंट्री से वर्कर्स लाएगी, नहीं, वो यहाँ के जो यहाँ के लेबर्स हैं उनको रिक्रूट करते हैं, उनको अपनी कंपनी में जॉब देते हैं और उनसे काम करवाते हैं। तो अब क्योंकि उनको जॉब दिया है तो उनको इनकम देंगे, तो इनकम देंगे तो हमारी कंट्री के लोगों की इनकम बढ़ेगी, GDP में इफेक्ट होगा, ठीक है, हमारी कंट्री की GDP इंक्रीज़ होगी, उसकी वजह से जो यहाँ के लोगों का लाइफस्टाइल वो चेंज होगा, बेटर होगा, लोगों में एम्प्लॉयमेंट आएगी, तो एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम्स कम होगी। तो सब पॉजिटिव इफेक्ट दे रहा है। MNC आके हमारे, अगर हमारी कंट्री में ओपन करे अपना बिजनेस, तो हमारी कंट्री को पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारी कंट्री में, तो अच्छे, ये हमारी कंट्री के लिए अच्छा होगा, हमारी कंट्री के ग्रोथ के लिए अच्छा होगा, या किसी भी कंट्री के लिए ग्रोथ के लिए अच्छा होता है ये चीज़। तो इससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, बट वहीं पर अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट देखें तो कैसे? अब क्योंकि हमें पता है हमारी कंट्री में जो एम्प्लॉयमेंट है वो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर कोई भी MNC आके यहाँ अपना बिजनेस स्टार्ट करेगी तो वर्कर्स तो बहुत सारे, लेबर्स बहुत सारे, तो लेबर को रिक्रूट करेगी, बट क्योंकि यहाँ पर जो बाकी जगह में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो लेबर को क्या होगा कि उनको कुछ भी मिल जाए वो काम करेंगे, ठीक है, तो काम करेंगे तो उनको पैसे से इतना कुछ मतलब नहीं कि बहुत ज़्यादा चाहिए। अब उनको कहीं पर ज़ीरो नहीं, कहीं पर ज़ीरो मिला और कहीं पर कुछ तो मिलेगा, जो खाली बैठे हैं उनसे कुछ तो मिलेगा। तो क्या करती है MNCs, एक्सप्लॉइट भी तो कर सकते हैं हमारे लेबर्स को, मतलब जितना उनसे काम करवा रही है उतना उनको पैसे नहीं दे रही है, तो हमारे लेबर्स एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव भी इम्पैक्ट दे सकती है, इम्पैक्ट कर सकती है, नेगेटिव भी कर सकती है। ग्लोबल मनी मार्केट, नाउ व्हाट इज़ ग्लोबल मनी मार्केट? इट इज़ अ प्लेस वेयर ग्लोबल करेंसीज ट्रांजेक्शन बिटवीन सेवरल सेंट्रल बैंक्स ऑफ द कंट्रीज आर कैरीड आउट, यानी कि एक ऐसी प्लेस जहाँ पर क्या होता है, ग्लोबल करेंसीज का ट्रांजेक्शन होता है, किसके बीच में, सेवरल बैंक्स के बीच में, कंट्रीज़ के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद आता है हमारा सोशल ग्लोबलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, ग्रोथ ऑफ ऑनलाइन सोशल नेटवर्क्स, यानी कि सोशल ग्लोबलाइजेशन, यानी कि कोई बैरियर नहीं है, तो हम किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं, किसी से भी अपना सोशली किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो सोशल ग्लोबलाइजेशन यानी कि बैरियर फ्री हो गए हैं, जहाँ पर ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गए हैं जहाँ पर हम सोशल नेटवर्क्स ऐसे डेवलप कर दिए हैं जहाँ पर हम कनेक्ट कर सकते हैं लोगों के साथ, माइग्रेंट फैमिलीज एंड डायस्पोरा, दैट इज प्रवासी, दैट इज द मीनिंग ऑफ डायस्पोरा इज प्रवासी इन हिंदी। उसके बाद आता है कल्चरल। अब कल्चरल ग्लोबलाइजेशन कैसे होता है, कैसे हुआ है कि अगर हम कंपेयर करें जो हमारे बाहर की कंट्रीज़ हैं, अब ऐसा तो नहीं कि कोई उनसे अवेयर नहीं है, मोस्टली यहाँ पर हमारी कंट्रीज़ में लोग अवेयर हैं कि बाहर क्या क्या, उनके कैसे कल्चर है, वो
क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं, वो कैसे तैयार होते हैं, या वहाँ पर क्या क्या चीज़ यूज़ हो रही है, तो कल्चर वहाँ का कैसा है सबको पता है। तो क्या होता है, उससे हमारी कंट्रीज़ में भी इम्पैक्ट पड़ता है, कैसे हम वहाँ का कल्चर अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं, ग्रोथ ऑफ ग्लोबल कल्चर, यानी कि इसीलिए अब कंट्रीज़ आपस में ग्रोथ करते हैं एक दूसरे के कल्चर को देख के कि वहाँ पर कैसे चल रहा है, हम उनका कल्चर कॉपी भी करते हैं। तो इसी तरह से कल्चर का भी ग्लोबलाइजेशन होता है, द ग्लोबलाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि वो कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, या ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो और हैं जो हमारी कंट्री में नहीं है बट बाहर की कंट्री में हैं ऑलरेडी और यूज़ भी हो रहे हैं, तो दैट इज़ कल्चरल ग्लोबलाइजेशन। उसके बाद पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन कैसे है, ग्लोबल गवर्नेंस, यानी कि सारी कंट्रीज़ की एक गवर्नेंस, ग्लोबल एक्शन ऑन क्लाइमेट चेंज। अब जब भी क्लाइमेट चेंज होता है तो ऐसा तो नहीं कि एक ही कंट्री का होगा, कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरी कंट्रीज़ में भी करता है, तो इसके लिए क्या होता है, ग्लोबल एक्शंस लेते हैं जो कि एक ही कंट्रीज नहीं ले सकते, सभी कंट्रीज़ की जो पॉलिटिकल, जो भी उनके पार्टीज़ हैं, जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, वो मिलके एक एक्शन लेते हैं या कुछ एक्शंस लेने की अपने अपने व्यूज़ रखते हैं, तो दैट इज़ पॉलिटिकल ग्लोबलाइजेशन। तो ये था भी इंट्रोडक्शन क्लास फॉर ग्लोबलाइजेशन, दैट इज़ चैप्टर नंबर 1। इन नेक्स्ट वीडियो आई डिस्कस द फोर्सेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, सो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। फॉर मोर सच वीडियोज़ प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियोज़ और चैनल। थैंक यू सो मच।